नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पोस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पोस्ट में जो सीजीए की अकाउंटेंट की पोस्ट होती है उसके बारे में हम उसकी वर्क प्रोफाइल, उसका सैलरी स्ट्रक्चर, उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या होता है, उसके उसमें जो SAS का एग्जाम होता है जिससे आप EEO बनते हो उसके बारे में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। उसमें ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, पक्ष क्या रहते हैं, UPSC या PCS एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सभी हेड्स के बारे में आज हम चर्चा कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले साथियों, हम ऑलरेडी दो पोस्ट के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एक पोस्ट थी हमारी SSA की, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के अंदर, और एक थी हमारी MEA की। तो इन लेक्चर्स को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो ये अकाउंटेंट की पोस्ट साथियों आपकी, एक तो इसमें एज लिमिट जो है आपकी वो है 18 से 27 साल, ठीक है। तो जो भी साथी UR के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर इस एज के अंदर फॉल कर रहे हैं वो केवल इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कलर ब्लाइंड कैंडिडेट जो हैं वो अलाउड हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी जो पे बैंड है तो इसका लेवल 5 है साथियों, 2800 ग्रेड पे में ये नौकरी है। इसके बाद CGA जो है, CGA का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। और ये जो ऑफिस है ना, इसका काम क्या होता है कि इसमें इसके जो स्टाफ होता है उसको वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच कर दिया जाता है और वो मिनिस्ट्रीज में इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मेनली अकाउंटिंग का, बिलिंग का और ऑडिटिंग का, ठीक है। और इसमें क्या होता है साथियों कि जैसे आपकी जो CGA होता है ना उसके पास वैकेंसीज की लिस्ट होती है वेरियस मिनिस्ट्रीज की। तो आपका लोकेशन कैसे किया जाता है कि आप ऐसा समझें कि मान लो इस CGA के पास ये लिस्ट है कि MHA में 10 वैकेंट पोस्ट हैं CGA की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में इतनी पोस्ट हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इतनी पोस्ट हैं और बाकी मिनिस्ट्री में इतनी पोस्ट हैं। तो आपका जो एलोकेशन किया जाता है वो इन मिनिस्ट्रीज के ये जो वैकेंसी की लिस्ट है ना इसके बिहाफ पर किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एलोकेशन होगा वो टोटली रैंडम बेस होगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका एलोकेशन होगा मिनिस्ट्री का वो रैंडम होगा। इसी के बाद आपको जैसे मान लो आपको MHA मिल गया तो आपका जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगा वो MHA होगा, मतलब आपको जो लेटर आएगा घर पर वो MHA की तरफ से आएगा और MHA को आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी ऑडिटिंग, बिलिंग और आप अकाउंटिंग का काम करेंगे वो आप MHA के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो दिल्ली के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। साथियों ध्यान देना, मैंने बोला है चांसेस ज्यादा हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये श्योर शॉट है कि आपको दिल्ली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके कुछ अलाइड ऑफिसेज भी रहते हैं, जैसे जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनके काफी ऑफिसेज बाहर भी रहते हैं। तो आपको हो सकता है कि कोलकाता वगैरह भी दे सकते हैं, कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, ठीक है, वहां पर भी आपको पोस्ट कर दिया जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद अब बात करेंगे इसके वर्क प्रोफाइल की। तो वर्क प्रोफाइल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक मिनिस्ट्री अलॉट हो जाएगी और उस मिनिस्ट्री में मेनली आपको जो ऑफिस मिलेगा वो मिलेगा ये वाला पेमेंट एंड अकाउंट ऑफिस। अब ये इस ऑफिस का काम क्या होता है, तो ये मेजरली जो उनका बिलिंग सेक्शन है उसको देखता है। उसमें आप GPF, सैलरी वगैरह, अलाउंसेज वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह जो होंगे इनकी असेसमेंट करते हैं आप, मतलब वहाँ के कोई जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपको, मान लो उन्होंने एक लेटर दिया कि भाई हमारे इस ऑफिस में इतने लाख का एक हमने ये एक्सपेंस किया है, तो उस एक्सपेंस को आप ये देखते हो कि भाई ये जो है एक्सपेंस हुआ है इसकी असेसमेंट जो है वो आपको करनी होती है। और उसकी असेसमेंट करने के बाद अगर वो चीज़ सही है तो उसको आप आगे फॉरवर्ड करते हो अपने EEO के पास। EEO फिर उस पर, मतलब जो चीज़ उसको करनी है वो करके उसके सीनियर AO के पास भेजेगा और ये जो सीनियर EEO है ये उसको क्या कर देगा, पास कर देगा, मतलब उस फंड को आपको रिलीज करवा देगा उसके लिए। इसके बाद आपको मिनिस्ट्री के ऑडिटिंग वगैरह में भी डाला जा सकता है, जिसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी आप चेक करते हो। तो मेजरली जो ये जॉब है ये क्लेरिकल नेचर की जॉब है, ठीक है, डेस्क जॉब आप बोल सकते हो। और यहाँ पर आपकी पब्लिक डीलिंग जो है वो बहुत रेयर होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कि इसमें जो आपके ऑफिस आवर्स रहेंगे वो मंडे टू फ्राइडे आपके 9 से 5 की नौकरी है ये, और इसमें आपका सैटरडे संडे जो है वो ऑफ ही रहता है। और दिल्ली के, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली के इसमें चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मिनिस्ट्रीज के जो ज़्यादातर ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में ही हैं, ठीक है। हालांकि कुछ अलाइड ऑफिसेज में आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बनते हो CGA अकाउंटेंट, ठीक है। CGA अकाउंटेंट आपने ज्वाइन किया उसके सही 3 साल बाद आप क्या बन जाओगे, सीनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट की ग्रेड पे जो होगी वो होगी 4200, ठीक है, 4200 या लेवल 6 बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये ग्रुप बी ऑफिसर होता है। इसके बाद साथियों जैसे आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं इसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, SAS एग्जाम देना पड़ता है, और इसके बाद आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इस एग्जाम के बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। और कुछ साथी जो लेट ज्वाइन करते हैं CGA को, मतलब उनकी उम्र ज्यादा होती है तो वो केवल यहीं तक जा पाते हैं और इसके बाद उनको एक NFU मिल जाता है,
ठीक है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसमें क्या होगा, आपकी पोस्ट तो यही रहेगी बट आपको सैलरी 5400 के अकॉर्डिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और जो साथी इसको थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सीनियर AAO तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये 5400 की होती है। और इसके बाद साथियों हम बात करेंगे SAS एग्जाम की। SAS एग्जाम होता है सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज एग्जाम, ठीक है जी। इस एग्जाम में आपके दो पेपर होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। और इस एग्जाम को साथियों आप पार्ट वाइज क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम ये जो है ये ईयरली होता है, हर साल एग्जाम होगा। और इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो मैंने आपको बताया आप AAO बन जाओगे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप केवल सीनियर अकाउंटेंट तक ही सीमित रह जाओगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मान लो आपने ये क्लियर किया और आपके जिस स्टेट में या जहां पर आप पोस्टेड हैं वहां पर वैकेंसीज नहीं है तो आपको बना दिया जाएगा एडहॉक AAO। एडहॉक AAO का मतलब क्या है कि आपको सैलरी AAO की मिलनी शुरू हो जाएगी बट आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। एडहॉक बेसिस पर रहोगे आप और जैसे ही मतलब वैकेंसीज आएंगी तो उसमें प्रायोरिटी बेस पर आपको AAO बना दिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे साथियों इसके पक्ष की। तो इसमें पक्ष क्या मिलते हैं, तो जैसा कि आपको बाकी जॉब्स में देखने को मिलता है आपको LTC दी जाती है हर 4 साल बाद, ये एक हॉलीडे पैकेज बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको CGHS कार्ड दिया जाता है जिसके थ्रू आप मेडिकल फैसिलिटी अपनी और अपने डिपेंडेंट्स की ले सकते हो। और इसका जो सारा खर्चा होता है, मतलब इसको बेसिकली आप खर्चा तो आप खुद करोगे बट उसको रीइंबर्स कर देगी सरकार। इसके बाद ट्रेनिंग आपकी होती है कहां पर, INGAF में, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस। और इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज होते हैं, अगर आप दिल्ली में पोस्टेड होते हो तो इसकी दिल्ली के अंदर भी एक वो है तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग लगभग एक महीने के अराउंड चलती है। इसमें वेरियस अकाउंट रिलेटेड जो प्रोसीजर वगैरह होते हैं, ठीक है, कैसे ऑडिटिंग वगैरह की जाती है वो सब आपको सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लेजर टाइम की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें आप मतलब इसमें दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, इसमें वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें टूरिंग देखने को नहीं मिलती जैसा कि आपको कैग वगैरह में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप इजीली मतलब दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और सिंस आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है तो आप कोचिंग वगैरह भी ले सकते हैं वीकेंड में। इसके बाद बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल 5 की नौकरी है तो इसमें 29200 आपकी बेसिक रहती है। ग्रोस आपकी एक्स सिटी की अगर मैं बात करूं तो 54,500 से 55,000 के अराउंड आपकी ग्रोस बन जाती है। और इन हैंड जो सैलरी आपको मिलती है वो 50,000 के अराउंड रहती है साथियों। एक साथियों मैं यहाँ पर आपको ट्रांसफर्स के बारे में और बता दूं, इसमें ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो आप ऐसा समझें कि मान लो जब आप CGA पोस्टेड है, ठीक है, CGA अकाउंटेंट आप पोस्टेड होंगे तो जो लोकेशन आपको दी जाएगी वो लोकेशन आपकी रहती है सीनियर अकाउंटेंट तक, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप कोई म्यूचुअल ट्रांसफर ना देख लें, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर में भी कंडीशन होती है कि जिस बंदे से आप म्यूचुअल ले रहे हो उसकी पोस्ट सेम होनी चाहिए और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए शायद। और इसके बाद साथियों आपका होता क्या है, जैसे अब मान लो आपको MP मिल गया, ठीक है, MP में कोई जगह मिल गई तो आप MP में रहोगे जब तक, और जैसे ही आप SAS एग्जाम क्लियर करते हो और उसके बाद आप AAO बन जाते हो तो AAO के बाद आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है, 3 प्रेफरेंस, ठीक है। उन 3 प्रेफरेंस में जो पहली प्रेफरेंस होती है वो ज़्यादातर आपको दे दी जाती है, ठीक है, और वो आपको मिल भी जाती है। ये था आज का हमारा सेशन। और सेशन डिसमिस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि CGL, CPO, CHSL और MTS से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट हमारे चैनल पर है तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इन रिटर्न हम 2 चीज़ें डिमांड करते हैं, सेशन को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट बचता है इस पोस्ट से रिलेटेड या कोई और पोस्ट से रिलेटेड तो उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम किसी और पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।